नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा दो का पाठ नंबर दो पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुनमुन। तो बच्चों, इस पाठ में हम बत्तख के एक छोटे बच्चे के बारे पढ़ेंगे जिसका नाम चुनमुन है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चुनमुन बत्तख का बच्चा था, वह बड़ा ही नटखट तथा बड़ा ही चुलबुला था। तो बच्चों, जो चुनमुन था बत्तख का बच्चा, वो बहुत ज़्यादा नटखट था और बहुत ज़्यादा चुलबुला भी था। वह अपनी माँ का कहना नहीं मानता था। चुनमुन और उसके भाई बहन रोज माँ के साथ दाना चुगने जाते। माँ उसे समझाती, चुनमुन यहाँ वहाँ मत भागो, सबके साथ रहो, नहीं तो खो जाओगे। चुनमुन हाँ कहता और फिर यहाँ वहाँ भागने लगता। एक दिन चुनमुन और उसके भाई बहन बगीचे के किनारे दाना चुग रहे थे, तभी चुनमुन की नज़र एक सुंदर सी तितली पर पड़ी जो एक फूल पर बैठी थी। वह तितली की ओर बढ़ा, तितली तभी उड़कर दूसरे फूल पर बैठ गई। अरे रुको तो, मुझे तुमसे बात करनी है, कहते हुए चुनमुन उसके पीछे भागा। मगर तितली ने उसकी बात नहीं सुनी। वह एक फूल से दूसरे और दूसरे फूल से फूल पर जाती रही और चुनमुन उसके पीछे पीछे भागता रहा। तो बच्चों, एक दिन चुनमुन अपने भाई बहन के साथ एक बगीचे में खेल रहा था, तभी उसे एक फूल पर तितली बैठी नजर आई। अब चुनमुन नटखट तो था ही और चुलबुला भी था, तो वह तितली की तरफ भागा उससे बात करने के लिए। और जैसे ही वो तितली के पास जाता, तितली एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाकर बैठ जाती। भागते भागते चुनमुन थक गया था। वह जैसे ही सुस्ताने के लिए रुका, तितली दूर उड़ गई। अब चुनमुन ने यहाँ वहाँ देखा, भागते भागते वह बहुत दूर निकल आया था और न तो उसे माँ दिखाई दी, न ही उसके भाई बहन। और बच्चों, जब वो तितली के पीछे भागता रहा तो थक गया और थक के वो एक जगह बैठ गया। और जब वो बैठ गया तो तितली इतनी देर में वहाँ से दूर भाग गई। और चुनमुन तितली का पीछा करते हुए इतनी दूर निकल आया था कि उसकी माँ और भाई बहन गुम हो गए थे, मतलब वो उनसे दूर हो गया था। खुद को अकेला पाकर चुनमुन घबरा गया। अब उसने देखा कि मेरे दो चारों तरफ कोई भी नहीं है, तो वो एकदम घबरा गया क्योंकि छोटा तो था ही बच्चों। वो पास में ही एक गाय चल रही थी। उसने गाय से पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? गाय बोली, मैं तो तुम्हारी माँ को जानती ही नहीं, मुझे क्या पता वह कहाँ है। चुनमुन को एक बकरी दिखाई दी। उसने बकरी से पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? बकरी ने भी उसकी माँ को नहीं देखा था। चुनमुन ने घोड़े से पूछा, भैंस से पूछा, गधे से पूछा, मगर किसी को भी नहीं पता था कि चुनमुन की माँ कहाँ है। तो बच्चों, जब वह अकेला हो गया, उसने देखा चारों तरफ कोई नहीं है, तो उसे पास ही में एक गाय दिखाई दी, फिर एक बकरी दिखाई दी, फिर एक घोड़ा दिखाई दिया, फिर एक भैंस दिखाई दी और फिर एक गधा दिखाई दिया। और उसने उन सब से पूछा कि आपने मेरी माँ को देखा है, मेरी माँ कहाँ है? और सब ने यही उत्तर दिया कि हमें नहीं पता तुम्हारी माँ कौन है और कहाँ है। चुनमुन घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। पेड़ पर बैठी चिड़िया नीचे आई और बोली, रो मत बच्चे, चलो हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। चुनमुन ने आंसू पोंछे और चिड़िया के साथ अपनी माँ को ढूंढने चल पड़ा। गोल चक्कर खाकर जब वे बगीचे के दूसरे किनारे तक पहुँचे, तो चुनमुन को अपनी माँ दिखाई दी। माँ और चुनमुन के भाई बहन उसे ही ढूंढ रहे थे। चुनमुन भागकर माँ के पंखों में छिप गया। तो बच्चों, जब सबने मना कर दिया कि हमें नहीं पता आपकी माँ कहाँ है, तो वह जोर जोर से रोने लगा। और वह जिस पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था, उस पेड़ पर एक चिड़िया थी। चिड़िया ने उससे कहा कि रोइए मत, हम आपकी माँ को ढूंढते हैं। तो ढूंढते ढूंढते हुए वहीं पर पहुँच गए जहाँ उन माँ और उसके भाई बहन थे। माँ ने चिड़िया को धन्यवाद कहा। चुनमुन ने माँ से वादा किया कि अब वह बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से हमारे नटखटपन और चुलबुलेपन से हम तो परेशान होते ही हैं, प्लस हमारे माँ बाप भी परेशान होते हैं। जिस तरह से चुनमुन
खुद परेशान था और उसकी माँ और भाई बहन भी उसे ढूंढने में परेशान थे। तो हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए।